हाँ, जैसे कि मुंबई का फेस्टिवल है, सबसे लोकप्रिय फेस्टिवल है, सबसे जाना माना गणपति, उसका सॉन्ग हम लोगों ने बनाया है, म्यूज़िक मैंने दिया, अलका जी ने गाया है। और पहली बार मैं गणपति का सॉन्ग कर रहा हूँ। वैसे भोजपुरी के तो बहुत सारे गाने हम लोगों ने किए, लेकिन भोजपुरी करने के बाद मुंबई पैटर्न को उठाना और हिंदी में गाने डब करना बनाना बहुत ही अच्छा लगा। अलका जी के साथ काम करके बहुत अच्छा गाया इन्होंने। मूड है जो चलता है यहाँ पे, लावनी क्या बोलते हैं उसको, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, लावनी पैटर्न तो उसको। वो लावनी पैटर्न में ही गाना है। और हम लोगों ने गाना बनाते वक्त भी बहुत मस्ती की है, गाना बजाया, सुना, डांस किया, खुद हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया हम लोगों ने गाना गाते समय। बिल्कुल, मैं जब से स्टार्ट हुआ तब से झूम रही हूँ एक्चुअली, और मुझे लगा था कि ये गाना बहुत अच्छा बनेगा, बट मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बना है ऐसा सोच लीजिए। और मुझे इस गाने से बहुत सारी उम्मीद है, और मतलब एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर मैंने इनके बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं, बट एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर मैंने अपना पर्सनली काम जो करवाया वो फर्स्ट बार आशीष जी से करवाया है, और मैं बोल सकती हूँ कि माइंड ब्लोइंग, मतलब मैं उसमें कोई त्रुटि नहीं निकाल सकती ऐसा सोच लीजिए। हाँ बिल्कुल, बप्पा के लिए पहली बार गाया है, और उम्मीद करती हूँ कि ये गणपति मेरी सबसे अच्छी गणपति होगी। आई विश। अच्छा, तो बहुत सारे फेस्टिवल आपने देखे हैं, गणेश चतुर्थी को किस तरह से देखती हैं आप? किस तरह से देखते हैं, मतलब 11 दिन का त्योहार है, बप्पा आते हैं, तो आप भी कुछ अलग करती हैं इनके लिए? नहीं, फिलहाल अभी तो क्या है, हम लोगों का आर्टिस्ट हैं तो शोज़ में ही गुजर जाते हैं 11 दिन। हाँ, लेकिन ये है कि 11 दिन एंजॉय के होते हैं ऐसा, कि हर जगह अलग अलग जा जा के मतलब शोज़ करना, और फिर जिस दिन लास्ट दिन होता है तो बप्पा का विसर्जन, तो वो हम जुहू पर बाकायदे जाके एंजॉय करते हैं, वो बहुत मज़ा आती है। धर्म हिंदुस्तानी नाम है मेरा, और जो कि ये गाना उम्मीद से बहुत बढ़िया बना है, क्योंकि अलका जी गाती बहुत अच्छा है और आशीष जी को कौन नहीं जानता, भोजपुरी जगत से लेकर हिंदी में भी जानते हैं। तो जो था हमारा कि मतलब एक गणपति जो मराठी फेस्टिवल ज़्यादा करके होता है, होता तो वैसे पूरे इंडिया का है, लेकिन जो एक फ्लेवर होता है, जो महाराष्ट्रन पैटर्न का एक फ्लेवर होता है, उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। तो वो बड़ा अच्छा लगा गाना, जिसका शीर्षक है कि बोलो रे वंस मोर गणपति बप्पा मोरिया, जो गाना आने वाला है। हालांकि हमने उसमें तीन पैरा लिखे हैं और तीनों पैरे में अलग अलग लोगों को, जैसे कि पहला पैरा अगर आप देखेंगे जो अंतरा है, तो उसके अंदर हमने यंग जनरेशन को जोड़ा है, दूसरे में हमने बप्पा की जो भक्ति के बारे में बताया है, तो तीसरे में हमने सारे लोगों को जोड़ा है। तो एक तरह से ये जो गाना है वो ऑलमोस्ट सारे लोगों को कवर करेगा, हमारे जो भी दर्शक सुनने वाले हैं जो बप्पा के भक्त हैं, वो सारे भक्त इसमें कवर होंगे। कुछ बिल्कुल एक लाइन हम लोगों ने की है कि मतलब आली आली रे बप्पा ची सवारी, कि मतलब बप्पा की सवारी आ रही है, तो वो हमने एक लाइन मराठी डाली है थोड़ा सा अलग दिखने के लिए। हाँ, और उसका एक फ्लेवर अलग टपोरी, करने के हाँ लिए। मतलब एक जैसे टपोरी सॉन्ग होता है तो पप्पा की जब सवारी निकलती है तो सब लोग झूम कर डांस करके गाते हैं, तो सेम उसमें हमने कुछ किया है ऐसा, और मस्त माइंड ब्लोइंग। 2-4 दिन में ही आ जाएगा, और बहुत ही प्यारी कंपनी वेनस, जो कि हिंदी के लिए अच्छी खासी जानी जाती है, उसी से ये गाना लॉन्च हो रहा है। और वंस अगेन थैंक्स टू आशीष जी कि इन्होंने मेरे सॉन्ग को बहुत टाइम दिया है और बहुत खूबसूरत बनाया है, और हमारे धर्म हिंदुस्तानी जी तो अच्छा लिखते ही हैं। लाजवाब, बहुत अच्छा लिखते बिल्कुल हैं। और लगा ही नहीं कि मतलब भोजपुरी काम करते करते हम लोग कब हिंदी वर्क कर लिया और ख़त्म भी कर बिल्कुल लिया, और इतना परफेक्ट और इतना परफेक्शन काम में कि हम लोग उसको बार बार सुन रहे हैं यार, कि हम लोगों से कहीं गलती तो नहीं होगी। एक तीनों अपने आप जज बन करके, लिसनर बन करके हम लोग खुद देख रहे हैं कि यार कहीं से कोई गलती तो नहीं होगी गाने में। फिर कुछ सलमान सर के गाने, कुछ और भी अदर गाने सुन सुन करके हम लोगों ने वर्डिंग्स को करेक्शन किया कि हाँ ये वर्डिंग सही हैं या गलत हैं क्या है, लेकिन सब कुछ सही है, अब पब्लिक के ऊपर है। तो मैं भी यहीं पे था, स्टूडियो में ही था, और मैंने गाना सुना और सर का काम देखा, और अलका झा जी ने बहुत ही अच्छा इसको गाया है, और सर ने माइंड ब्लोइंग इतनी ज़बरदस्त म्यूज़िक बनाई है कि सुनने के बाद आई एम श्योर कि हर कोई झूमेगा, हर कोई नाचेगा। और इस बार का जो गणपति है, हम उम्मीद करते हैं कि ये गाना हर तरफ बजेगा, और बहुत ही अच्छा काम हुआ है, सर ने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बनाया है और मैम ने बहुत अच्छा गाया है, और हमारे जो धर्म जी हैं राइटर, ये बहुत अच्छा लिखे हैं इस गाने में। मतलब तीनों फील आएगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब पर्टिकुलर कुछ, जैसे इसमें हिंदी का भी फील आएगा, थोड़ा सा मराठी का भी आएगा, थोड़ा सा गुजराती भी है, तो पूरा देखा जाए तो ये मतलब बहुत ही प्यारी कंपोजिशन है, बहुत ही प्यारी गायकी हुई है और बहुत ही प्यारी लिखा गया है इसको।
इसके बाद भी कुछ और इसका थोड़ा सा रिस्पांस मिलता है, वैसे हम आगे भी साथ में काम करने वाले हैं और कंटिन्यू काम करने वाले हैं, क्योंकि अभी मुझे हिंदी के लिए भी कुछ करना है। वैसे भोजपुरी तो सभी जानते हैं कि बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे एल्बम्स हैं, चल रहे हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा जो हमें करना है वो अभी हम एक टीम होकर काम करने वाले हैं, मतलब आई विश मेरी तरफ से, और बाकी इनका टाइम तो बहुत थोड़ा सा क्या बोलूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी आई विश की कोशिश रहेगी कि ये मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे। सर बिजी शेड्यूल में और क्या क्या चल रहा है आजकल? कुछ फिल्मों का वर्क चल रहा है, इंडस्ट्री की कुछ फिल्में हैं जो काम लगा हुआ है, और बाकी तो अलका जी ही डेट करती हैं, बराबर आना जाना रहता है, तो सबसे ज़्यादा तो ये व्यस्त रहती हैं। और फिलहाल एक सिंगर और एक म्यूज़िक डायरेक्टर का जो रिलेशन है वो तो अलग ही है, लेकिन मैं इनको कहीं ना कहीं अपनी एक बहन मानता हूँ, जिनसे हमेशा एक डिस्कशन चलता रहता है कि यार बहन बताना यार ये कैसे होना है, या भैया या भाई ये चीज़ होना चाहिए, हम लोगों को ये करना है, तो कहीं ना कहीं से सोच इतनी अच्छी मिलती है, एक माँ की कोख से न जन्म लेकर के भी सोच इतनी अच्छी मिलती है यार कि हम लोग ठीक है जो मुकाम पाया वो पाया ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंट करने का तरीका, कुछ डिफरेंट करने की सोच, वो मतलब अलग तरफ का एक रिलेशन बनाती है, एक खिंचाव अलग से आता है कि दो रिसर्चर तीन रिसर्चर मिल करके एक सोच रख करके कि हमें बस आगे जाना और डिफरेंट करना है, तो वो सोच वालों की टीम है। और देखिए ब्लेसिंग्स मिले, पब्लिक की प्यार मिले, देखते हैं कहाँ तक चलता है। चलिए हम उम्मीद करते हैं आगे भी मिलते रहते हैं।